Hi everyone, good morning, welcome back to my channel Live Life with Ratna. और आज हो चुका है थर्सडे और मुझे जाना है ऑफिस, इसीलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा धुल के रेडी हो चुकी हूँ. मैं सुबह से तो उठी हुई थी बट मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया ये नहीं मुझे नहीं पता. मैंने सोचा नहा धुल के लेते हैं उसके बाद वीडियो बनाते हैं, और आज तो ऑफिस भी जल्दी जाना है तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने. आज हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में पता है बनाया है नमकीन सेवई. बस चलिए लेट्स गो टू हैव ब्रेकफास्ट. गिरा आज का ब्रेकफास्ट नमकीन सेवई एंड चटनी. जब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ ऑफिस जाने के वक्त. ऑल सेट टू गो. देखिए बैग ये रहा मेरा, और आज मैं तो कुणाल के साथ जा रही हूँ आधे दूर तक, फिर वहाँ से कैब से. चलो लेट्स गो. आधे रास्ते के बाद मैं चल निकल चुकी हूँ अपनी कैब से. कुणाल ने मुझे छोड़ दिया है और काम भी स्टार्ट हो चुका है. हमारे ऑफिस के बाहर पूरा स्टॉल लगा हुआ है और हम लोग आए हुए खरीदने के लिए कुछ कुछ. देखते हैं अगर पसंद आया तो. ये पूरा लाइफस्टाइल का क्लियरेंस सेल है और उसके लिए देखिए कितना भीड़ है. हम लोग पागल हो रहे हैं. सुबह से मुझे आप टाइम मिला सुबह से क्या, जब मैं अभी वहाँ पे शॉपिंग का दिखाया ना मैंने दोपहर से, अब मुझे टाइम मिला है कि मैं वीडियो बनाऊँ. और मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ. आज मुझे ऑफिस में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो बहुत ही ज़्यादा काम था. वही हम लोग थोड़ा लंच करने के बाद वो हमें किसी ने बोला था कि वो दुकान लगा हुआ है, तो हम लोग चले गए थे उस दुकान में लाने के लिए कुछ कुछ, मतलब अगर पसंद आता तो. लेकिन हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके लिए वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आपको चाहिए कम से कम 2-3 घंटा, क्योंकि वहाँ पे सारा सब क्या था कपड़ा सब, जो जितना भी लाइफस्टाइल का जितने अंदर ब्रांड होते हैं ना, वो सबका क्लियरेंस सेल था. तो जितना भी सारा कपड़ा था वो सब ऐसे रखा हुआ था, आप उसमें से जाइए और एक एक चुनिए और पसंद कीजिए. तो उसके लिए चाहिए होता है टाइम, जो कि हमारे पास नहीं था. हम लंच करने के बाद ऐसे ही टहलने गए थे, फिर हम लोग आ गए तुरंत, कुछ लिया भी नहीं. फिर वही काम, और आज तो ट्रैफिक क्योंकि आज बारिश भी हो रहा था जैसे बेंगलोर में होता है वैसे ही, और उस और ऊपर से ट्रैफिक, सर दर्द हो गए. वो तो अच्छा हुआ कि मुझे आधा और दूर तक ही आना था, आधा उधर कुणाल के साथ आई मैं, उतने में ही हालत ख़राब हो गया. अब बस घर पे आके अब मैं जा रही हूँ सोने. मेरी मतलब मैं अब ये वीडियो बना रही थी, मेरा आँख बंद हो रहा था, नींद ऐसे नींद के आगोश में आ चुकी हूँ मैं. चलो मैं जा रही हूँ सोने, अब इसी वीडियो को कल करेंगे कंटिन्यू. और कल भी मुझे ऑफिस जाना है, देखते हैं कल क्या होता है ऑफिस में नया, क्या कल भी वहाँ पे वो सेल लगेगा. अगर कम मेरे पास टाइम हुआ इवनिंग में, मतलब ऑफिस ख़त्म होने के बाद, क्योंकि आज मैंने देखा था कि जब मैं ऑफिस से आ रही थी तब भी वो शॉप सब लगा हुआ था, तो अगर कल भी रहा तब मैं कल उसमें टाइम व्यतीत करूँगी, मतलब वहाँ जाके कुछ देखूँगी. अगर मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे घर. मिलती हूँ आप लोगों को मैं कल इसी ब्लॉग में. हाय एवरीवन, देखिए मैं नहा धो के रेडी होके ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ. और ऑफिस वाले दिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सुबह उठो ऑफिस जाओ, शाम को ऑफिस जाओ अगले दिन. एंड दिस इज माय लुक, हाउ इट इज गुड. और हमारे घर आज ब्रेकफास्ट में बना है पोहा, अभी मैं खाऊंगी और निकलूंगी ऑफिस के लिए. मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में. नाउ Ready to go. मेरा काम हो चुका है स्टार्ट, ये देखते हैं. तो और आज पहली बार हमारी गाड़ी में कोई हिंदी
अब आए हैं हम लोग घर, मैं और कुणाल दोनों। अब बारिश इतनी तेज हो रही ना बाहर, और ऑफिस में वैसे ही सूट नहीं कर पाई। मैं दिखाती हूँ, बारिश में बाहर बैठी हुई है, यहाँ पे बारिश का मजा ले रही, क्योंकि यहाँ पे बालकनी तक बारिश आ रहा है। कैसे दिखाऊँ मैं, क्योंकि ओ बिजली भी कितना कड़कड़ा है, ठीक है, आवाज़ आ रहा होगा बारिश का, मस्त हवा चल रहा है। पूरा पीट पीट के बारिश हो रहा है, ऐसा हम लोग क्या बिहार में बोलते हैं कि पीट पीट के बारिश होना, वही हो रहा है पीट पीट के। अब ये बारिश तो होता रहेगा अपना पीट पीट के। मैं सोच रही हूँ चला जाए सोने के लिए, तो अच्छा हुआ गाड़ी से आ गए थे इसलिए, वरना तो मैं पूरा भीग के आती बढ़िया से, तो मैं लैपटॉप भीग गया था उसका टेंशन था। कोई बात नहीं, घर आ चुके हैं, हमारा खाना वाना भी हो चुका था, रोटी सब्जी। चलिए जाती हूँ मैं सोने, मिलते हो आपको कल इसी ब्लॉग में, इसी ब्लॉग को कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि जिस दिन मैं जब मैं ऑफिस जाती हूँ ना तो ब्लॉग बन नहीं पाता, इसलिए कोई बात नहीं, मिलते हूँ मैं आपको कल। हाय एवरीवन, हो चुका है नेक्स्ट डे, और आज हमारी दीदी नहीं आएगी, मतलब आई थी झाड़ू पोछा करके चली गई है, तो मेरे को ही ब्रेकफास्ट लंच और डिनर बनाना है, क्योंकि आज तो छुट्टी है। डिनर नहीं बनाना है, डिनर के शायद आ जाएगी, ब्रेकफास्ट और लंच बनाना है। मैं सोच रही हूँ कि चला जाए बनाने के लिए, बहुत हुआ टाइम पास, मतलब टाइम पास करने का, मतलब गार्डन में बैठी थी ना, बालकनी में, गार्डन बालकनी में, चला जाए बनाया जाए कुछ। आज मैंने सोचा कि आज बनाऊंगा ब्रेकफास्ट में एप्पल स्मूदी, इजी, और लंच में भी देखते हैं क्या, मिलती हूँ मैं किचन में। आज क्यों मैं अपने किचन में, और बहुत सारा तैयारी हो चुका है, देख दिख रहा है पीछे, दिखाते हैं मैं, यहाँ बन रहा है दाल, और इसमें बनेगा पनीर भुर्जी। ये पनीर घर पे बनाया हुआ है, जो घर पे हमारे दूध आता है ना उससे निकाला था मैंने पनीर, और बनेगा ये क्या है, पत्ता गोभी का सब्जी, करेला का जूस, ये हम लोग पियेंगे, और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, इसमें बनेगा स्मूदी, एप्पल और स्मूदी, और बाकी ये सब लंच है। ये मूंग का चाट बनेगा। आज मैं दिखाती हूँ मैं पनीर का भुर्जी कैसे बनाती हूँ। पनीर का भुर्जी बनाना सबसे सिंपल है, मुझे ऐसा लगता है जो फटाफट खाना बनाना हो ना, पनीर का भुर्जी बना लो, कुछ नहीं करना उसमें, इजी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले अपनी सब्जियाँ चॉप कर लेंगे जो जो आपको चाहिए। मैंने किया है टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और नॉर्मल मिर्च, बस ये सब जाएगा, यही तीन चीज़ जाएगा मेरे पनीर के भुर्जी में, और ऑफ कोर्स पनीर ये भी जाएगा। अब ये कढ़ाई गर्म हो जाता है, उसमें जाएगा थोड़ा सा सरसों का तेल, इसमें डाला है मैंने तेल, सरसों का, जीरा और मिर्च और प्याज, इन्हें थोड़ा देर भून लिया, तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता है, ऐसा गलाने टाइप नहीं, बस थोड़ा सा ही भूनना पड़ता है, बस थोड़ा सा भूनेगा, उसके बाद मैं डालूंगी इसमें टमाटर एंड शिमला मिर्च, डाल दिया मैंने इसमें शिमला मिर्च और टमाटर, और इसको 5 मिनट पे ही पकाना है, उसका डालेंगे इसमें नमक और हल्दी, और आप चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगी। मैं सब सब्जी भून चुका है, अब इसमें मैंने डाला है नमक और हल्दी, इसको मिला लेंगे, इसको भून लेंगे 2 मिनट बस, और उसके बाद डालेंगे हम लोग पनीर, और हमारा पनीर भुर्जी रेडी। और मीनवाइल यहाँ बन रहा है मेरा पत्ता गोभी का सब्जी, और हमारा करेला का जूस इज रेडी मेरा और कुणाल का, हो चुका है ये,
और इसमें डाल देंगे पनीर। हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मैंने पनीर को मिला दिया था और पनीर भुर्जी हमारा रेडी हो चुका है। इसको ज़्यादा कुछ नहीं पकाना है, गैस कर देना है ऑफ। ये हो गया। आप इसको रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं और सिंपल भी खा सकते हैं। जो लोग जिम करते हैं ना, वो लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं, बट उनके में और थोड़ा तेल कम जाता है। वो लोग कोई तो ऑलिव ऑयल डालता है। हाई प्रोटीन सब्जी हमारा रेडी हो चुका है। हम इसको कर देंगे बंद। हो गया। खाना वाना बना के हो चुकी हूँ मैं फ्री और अभी 9:30 हो रहा है। सब कुछ हो चुका है। कुणाल भी चला गया है। अब मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँगी नहाऊँगी, फिर करूँगी मैं अपना ब्रेकफास्ट और फिर पीना करेला का जूस। पहले 5 मिनट आराम करने के बाद फिर जाऊँगी मैं नहाने। फिर मिलती हूँ आप लोगों को मैं नहा धुल के थोड़ी देर में। नहा धो के हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल रेडी और मैं पी रही हूँ अपना करेला का जूस। इसको पीने के बाद मैं पीऊँगी अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करूँगी, पीना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो स्मूदी है ना, इसलिए मस्त लगता है। चेस। ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, एप्पल ओट्स का स्मूदी। इसमें है एप्पल, ओट्स, दूध, चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, बस। और कोई शुगर नहीं है। जा रही हूँ मैं एक कोरियन ड्रामा देखने के लिए, क्वीन ऑफ टीयर्स। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कोरियन सीरीज और मूवी दोनों। लेट्स सी ये कैसा है। ये क्यूट सा बच्चा। मूवी नहीं सीरीज मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ। पता है आज, पता है सीरीज देखते देखते मुझे नींद आ गया। पहली बार हुआ ऐसा कि मैं सोई थी, मुझे अचानक से नींद खुला 5 बजे। और बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि मैं आगे बैठ के बालकनी में अपने और खा रही मैं अपना भूजा। आज सैटरडे है ना, सैटरडे को हम लोग यहाँ बिहार में लोग बहुत भूजा खाते हैं। ऐसा बोलते हैं सैटरडे को भूजा खिचड़ी खाना चाहिए, अच्छा होता है। भूजा भूज के मैंने यहाँ रखा हुआ था, मैंने सोचा कि इसको खाया जाए थोड़ा और मौसम का मज़ा लिया जाए। मैं तो मैं भूजा वूजा खाने के बाद अभी मेरे को नींद आ रहा है। ये बात है, वी आर गोइंग टू प्ले बास्केटबॉल। हाँ यहाँ नहीं खेलना है, ये बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है, टूट जाएगा। ये अकेला खेल रहा है। अरे मेरे को भी खेलना है, चलिए मैं भी जा रही हूँ खेलने के लिए। यस, बकवास, ये बकवास था, ये और भी बकवास था स्टाइल मारते हुए, बट जा तो रहा नहीं है। हाँ आ चुके हम लोग बास्केटबॉल खेल के और पूरा पसीना पसीना हो रहा है। अब जाके नहाना पड़ेगा, है ना? नहा लेना। अब हार गए भी बताओ। हाँ हम हार चुके हैं। कितना से? 5 पॉइंट तुम बनाए हैं, 3 पॉइंट हम बनाए हैं। ओके तो तुम्हारी गलती है, तुम ऋण हमको जितने दिया है कि नहीं। क्या मिल रहा है? हारने के वैसे वैसे ही बोलते हैं, सॉरी जीतने। तो जीता है फिर भी बोल रहा है कि हम इसको
जीतने दिए बकवास, हम 3 पॉइंट बनाए हैं और ये 5 लाइन बनाया है, तो पॉइंट नहीं बना देना चाहिए, है ना? फिनिश नहीं बकवास, चलो चलो गेट खोलो चला जाए। आ चुकी हूँ मैं नहा धुल के वापस से, दूसरी बार नहा रही हूँ मैं, पूरा पसीना पसीना हो चुकी थी मैं, पूरा टी शर्ट गीला हो चुका था, ऑलमोस्ट 1 घंटा खेला हमने, बहुत दिन बाद खेला, लास्ट मैंने खेला था कॉलेज में, उसके बाद आज खेला मैंने, और मैंने जैसे ओपन किया टीवी ये देखिए, तो पता चला कि मैच डिले हो चुका है बारिश की वजह से, और आज मैच है KKR वर्सेस MI, और मैं हूँ KKR के साइड, देखते हैं कब होगा टॉस, अभी तो टॉस भी नहीं हुआ है, लेट्स सी, तब तक मैं कुछ और करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, अगर मैच स्टार्ट हुआ तो दिखाऊंगी, ये तो कुछ होगा तो कर दिखाऊंगी। मैं आ चुकी हूँ सोने, क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रहा है, और मैच तो आज लेट स्टार्ट हुआ है 9:15-20 पे, तो अभी तक वो चलेगा अभी बहुत लेट लंबा, और आज वैसे 16 ओवर का ही है वैसे मैच, तो आज मैच नहीं देखेंगे, मैं जा रही हूँ सोने, इस ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ, मिलते हैं आप लोगों को कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ टू, हैव फन, इन्जॉय लाइफ, दैट्स इट, और लोग क्या बोलते हैं, इग्नोर, लोग का काम है बोलना, बोलेंगे, बाय बाय।